नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। इस वक्त शिवसेना के साथ मजाक हो रहा है एक तरह से। बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की कोई हैसियत नहीं रह गई शिवसेना में, और एक ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एकनाथ शिंदे आज एक तरह से शिवसेना का मालिक बन चुका है। शिव सैनिक आज उसे लीडर मान रहे हैं, ना के एक हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के पुत्र को। यह सब पहला सबसे बड़ा मजाक रहा शिवसेना के साथ, और इसको आप उद्धव ठाकरे की कमजोरी कहें या शिवसेना का हिंदुत्व से दूर जाना कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मजाक एक और हुआ शिवसेना के साथ। शिवसेना लगातार प्रयास कर रही थी कि एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क बने, हम उन्हें वापस लेकर के आ जाएं, उनके विरोध को शांत कर दें। इसको लेकर बड़े बड़े वादे भी कर डाले। उन वादों को लेकर अब अपने ही दलों से, जो गठबंधन दल है, उनसे भी कहीं ना कहीं एक मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। क्या मजाक हुआ शिवसेना के साथ, मैं आपको बताता हूं कि शिवसेना के एक नेता है रविंद्र फाटक। रविंद्र फाटक का इस्तेमाल दूत के रूप में कर रही थी शिवसेना कि आप एकनाथ शिंदे के पास जाएं, उनसे बातचीत करें और पार्टी में वापस आने के लिए मना लें, हम उनकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। रविंद्र फाटक ने आज्ञा मानी और एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए। लेकिन एकनाथ शिंदे में आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात वह कर रहे हैं, ऐसी कौन सी दवाई खिला देते हैं कि सारे विधायकों का मन ही बदल जाता है। रविंद्र फाटक गए तो दूत बनकर थे उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर, लेकिन वह भी वहां बागियों में शामिल हो गए। यानी कि रविंद्र फाटक को वहां भेजने का फैसला ही गलत साबित हो गया। जो एक नेता और बैठा था उनके साथ, वह भी चला गया। और अभी आने वाले समय में कितने नेता जाएंगे हम यह नहीं कह सकते, लेकिन यह घटना लगातार देखने को मिल रही है। तो रविंद्र फाटक भी जाकर बागी दल में शामिल हो गए, और बागी विधायकों ने तो एकनाथ शिंदे को बागी गुट का नेता चुन ही लिया है। तो यहां शिवसेना के साथ लगातार मजाक हो रहे हैं, घटिया मजाक, बड़े मजाक हो रहे हैं। अब उनको किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। अब वह आखिर किस पर भरोसा करें, यह तमाम बातें हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि आखिर शिवसेना की सरकार गिरती है, आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।